चैनल कलरफुल थ्रेड्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन, जिसे मैंने दो कलर में बनाया है, वाइट और रेड। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, इसे आप बच्चों के स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन पर डाल सकती हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। मैंने 6×5=30 और उसमें 2+ किए हैं, 32 फंदे लिए हैं। इसके लिए मैंने इतना बॉर्डर बनाकर तैयार कर लिया है। आप जब स्वेटर बनाएंगे तो इसमें बॉर्डर बना लें और अपने फंदे एक उल्टी सीधी सिलाई में बढ़ा लें और उसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट करें। मैंने ये इतना डिज़ाइन बनाकर रखा है पहले से, क्योंकि जिस तरह से ये डिज़ाइन नीचे से डलता है वैसे ही ऊपर डलेगा। और इस डिज़ाइन को हम रॉन्ग साइड से डालेंगे। इसे मैं आपको रॉन्ग साइड से डालकर दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है, आप इसे आराम से डाल लेंगे। रॉन्ग साइड से ये डिज़ाइन ऐसी दिखती है और राइट साइड से ऐसी दिखती है। इसमें छोटे छोटे फ्लावर टाइप के आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। देखिए किस तरह से डालनी है इसे। इस डिज़ाइन में हमें पहले 3 फंदे उल्टे इस तरह से बनाने हैं, 1 3 3 फंदे उल्टे। अब 2 फंदे, ये दूसरा कलर लूँगी अब मैं यहाँ से। पहले ये वाइट से बनाए, अब यहाँ ये दूसरा कलर लिया। 2 फंदे सीधे, अब 4 फंदे उल्टे, 2 3 और ये 4। अब 2 फंदे फिर उल्टे, ये वाले रेड उन से, 2 फंदे रेड कलर से, 4 फंदे वाइट कलर से, इस तरह से बनाकर ये पूरी रो तैयार कर। रॉन्ग साइड से मेरी फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये डिज़ाइन हम रॉन्ग साइड से ही डालते हैं। अब मैं सेकंड रो पर आती हूँ डिज़ाइन की, राइट साइड। इसमें देखिए ये 3 फंदे जो हमने इस तरफ से उल्टे बनाए थे, वो तीनों मैं सीधे बनाऊँगी। ये 3 फंदे सीधे इस तरह से बना लूँगी। अब ये धागा यहीं रहने दूंगी, इस तरह से आगे कर लिया। अब ये रेड धागा आगे किया और ये 2 फंदे जो रेड से बनाए थे इन्हें उल्टा बनाना है। ये उल्टे बनाए, धागा पीछे किया, अब ये 4 फंदे सीधे बना लिए। अब ये धागा आगे किया, 2 फंदे सीधे बना लिए, 4 फंदे सीधे बना लिए, 2 फंदे फिर धागा आगे किया उल्टे बना लिए, फिर धागा पीछे किया और ये 4 फंदे सीधे बना लिए। इसी तरह से हम अपनी ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर। डिज़ाइन की ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं थर्ड रो पर आती हूँ। थर्ड रो देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है इसमें। इस तरह से ये वाइट से 1 2 3। अब हमें क्या करना है, ये रेड नहीं बनाना है, अब पूरे हमें वाइट फंदे बनाने हैं। वाइट में हमें क्या, रेड में हमें क्या करना है, वाइट 3 उल्टे बनाकर, ये रेड हमने इस तरह से बनाया। इसमें हम 2 बार ऐसे और ऐसे 2 बार इसमें अंटा लगा लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। अब पूरे हमें बाइटी बनानी है, पूरी सिलाई उल्टी है, केवल 2 रेड फंदे हैं जो उनमें हमें 2 बार घुमाना है। इस ऐसे घुमाया एक बार, फिर दोबारा ऐसे घुमाया, फिर एक बार ऐसे, फिर ऐसे। एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर ऐसे।
इस तरह से हम अपनी ये सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम डिज़ाइन की फोर्थ रो पर आते हैं। फोर्थ रो देखो किस तरह से बनानी है हमें, इसे ध्यान से देखना क्योंकि इसमें हमारी पूरी डिज़ाइन बनकर आ जाएगी। ये तीन फंदे, ये पहला फंदा आप इसे चाहे उतारें चाहे बुने, मैं इसे बुन लेती हूँ। एक और ये, इसमें केवल हमें एक फंदा बुनना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये बीच के जो दो रेड फंदे थे उनमें से हमें ये रेड के आगे वाला ये वाला फंदा आगे लाना है, इन्हें पीछे ले जाना है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने दोनों फंदे इस सिलाई पर उतारे इस तरह से, और इसे जो हमने इसे घुमाया था इसे खोल लिया इस तरह से इस फंदे को। अब पीछे से हमने इसे इस सिलाई पर ले लिए दोनों फंदे और इन्हें इसे आगे से ऐसे कर दिया और इन्हें सीधा बुन देंगे। इससे हमारी ये डिज़ाइन देखिए बनकर आ गई। अब हमें ये वाला फंदा है इसे पीछे ले जाना है और ये दो जो फंदे हैं इन्हें आगे लाना है। इसे इस तरह से खोल लिया और इन दोनों फंदों को ऐसे सिलाई से उतार लिए और इसे इस तरह से ये आगे से ऐसे कर दिया और इन दो फंदों को ये पीछे से लाए और इस सिलाई पर ऐसे इस तरह से, और इन्हें हमने सीधा बुन दिया। देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन, हमें यही करना है हर बार। इस फंदे को इस तरह से पीछे से ले लिए हमने इस सिलाई पर और इस फंदे को इस तरह से आगे से घुमाकर ले लिया और इन्हें सीधा बुन दिया। फिर हमने इन फंदों को इसे इस तरह से खोला और इन फंदों को इस तरह से पीछे से लिया और इसे ऐसे कर दिया और इन्हें इस तरह से ये सीधे बना दिए। ऐसे ये हमारी डिज़ाइन आ रही है बनकर। हमने पीछे से ऐसे लिए, इसे इस तरह आगे से लगाया। इसी तरह से हम अपनी ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और देखिए हमारी ये डिज़ाइन बनकर किस तरह से आई है। अब हम डिज़ाइन की फिफ्थ रो पर आते हैं। इसमें देखिए हमें क्या करना है, ये पहला फंदा हमें ऐसे ही उतार लिया पहला। अब पहले हमने तीन फंदे उल्टे बुने थे लेकिन इस बार केवल हमें ये एक फंदा उतारा और एक फंदा हम रेड बुनेंगे। मैं आपको इस तरफ से समझाती हूँ। देखिए इसमें क्या करना है, ये जहाँ हमारा ये फ्लावर टाइप का आया है इस तरह से ये बनकर आ रहे हैं देखिए, तो जहाँ पर ये दो फंदे हैं एक दो, इन दो फंदों को रेड करना है और जहाँ पर ये एक है उसे एक रेड फंदा बुनना है। यहाँ दो बुनने हैं, यहाँ एक बुनना है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे हम, पहली रो से बस थोड़ा सा हट कर ये लगा दिया। अब बाइट से फिर उसी तरह से चार फंदे उल्टे, तीन और एक चार, और ये दो फंदे रेड से, फिर चार फंदे सीधे, तीन और ये चार, फिर दो फंदे ये रेड से, फिर ये चार फंदे वाइट से, तीन और एक चार, फिर दो फंदे ये रेड से और ये चार फंदे इस तरह से हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर। डिजाइन की हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिक्स रो पर आते हैं। सिक्स रो देखिए हमें इसी तरह से बनानी है जिस तरह से हमने पहले बनाई थी। ये एक फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे इस तरह से। अब हम ये धागा आगे किया और ये रेड वाला फंदा
उल्टा बना लिया, धागा पीछे किया और ये बाइट फंदे हमने इस तरह से सीधे बना लिए चारों, जैसे हमने पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही है। और उसी तरह से हमें डालनी है ये डिजाइन, ये दो फंदे उल्टे बना लिए। इस तरह से मैं आपको ये पूरी सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम डिज़ाइन को बनाते जाएंगे तो हमारी ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर आएगी। ये डिज़ाइन देखने में देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और इसमें छोटे छोटे फ्लावर टाइप के आएंगे, और आपको वही फोर्थ रो बार बार रिपीट करते जाना है और आपकी डिज़ाइन इस तरह से बनकर आ जाएगी। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। With the bells, with the bells.